टू गुड, मान गए आपको, टेरिफिक। देखा ना आपने शुक्ला साहब, ये फॉर्मूला हमेशा काम आता है। इस दुनिया में अगर तुम सच धीरे से बोलोगे तो कोई नहीं मानेगा, और अगर झूठ झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे तो सब मान जाते हैं। पॉइंट इज नोटेड सर। नहीं मिलना है मुझे, नहीं मिलना है, और तुमने भी मुझे धोखा दिया है राहुल। कितने पैसे दिए थे तुम्हारे सिद्धार्थ साहब ने तुम्हें चुप रहने के लिए? नहीं सीमा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो क्या है कि सिद्धार्थ साहब ने सिद्धार्थ साहब मत लो उनका नाम। सीमा एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम यहाँ से चले जाओ राहुल, मैं कहती हूँ तुम चले जाओ। सीमा मैं चला जाऊंगा, बस मुझे कुछ नहीं सुन। ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं राहुल तुम्हें लग गया ना? नहीं ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं राहुल खून निकल रहा है, एक मिनट रुक जाओ। I'm sorry राहुल, I'm really sorry। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। I'm really sorry राहुल। सीमा मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। एक्चुअली तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता। लेकिन राहुल मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? देखो बेहतर यही होगा कि तुम एक बार सिद्धार्थ साहब से मिल लो। इट बी नाइस। क्यों मिलूं मैं एक और झूठ सुनने के लिए? देखो सीमा, जिंदगी की हर बात सिर्फ सच या झूठ नहीं होती। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं जो कभी कभी हमको ऐसी चीजें करने पर मजबूर कर देती जिससे किसी ना किसी को ठेस पहुंचती है। हम सब अधूरे हैं सीमा। देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम एक बार सिद्धार्थ साहब से मिलो, उनको अपनी बात समझाने का मौका दे दो बस। उसके बाद जो तुम्हारा दिल फैसला करे वही करना। मगर मेरी बात तो मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया सीमा। धोखा नहीं दिया? तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सीमा अगर मैं तुम्हें बता देता कि मेरी शादी हो चुकी है तो क्या तुम उससे प्यार करती? नहीं, कभी नहीं। देखा, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि सीमा मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता सीमा। नहीं सिद्धार्थ, तुमने मुझे गलत समझा है। मैं किसी और का घर तोड़कर अपना घर बसाऊंगी? कभी नहीं, ये गुनाह है, गुनाह। नहीं सीमा, नहीं, ये गुनाह नहीं है। तुम मेरे टूटे हुए घर को और क्या तोड़ोगी? हाँ, शीला से मेरी शादी एक बहुत बड़ी भूल थी, गलती थी मेरी, लेकिन अब बहुत ही जल्द मैं उसे तलाक देने वाला हूँ। हाँ सीमा, ये सच है। झूठ, एक और झूठ। देखो मेरी आंखों में, देखो इनमें, क्या तुम्हें इनमें सच्चाई नजर नहीं आ रही? बोलो सीमा। नहीं सिद्धार्थ। आओ मेरे साथ सीमा। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो सिद्धार्थ? सच्चाई जानना चाहती हो ना तुम? ये है सच्चाई। वो औरत नजर आ रही है, वो है शीला, मेरी बीवी। और वो आदमी नजर आ रहा है मुझे, सीना तान कर चल रहा है, वो है मेरी बीवी काश। ये है मेरी शादीशुदा जिंदगी की असलियत। देखो देखो क्या क्या हो रहा है वहां पर। देखो सीमा, खुद अपनी आंखों से देखो। बस और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, मैं पागल हो जाऊंगा सीमा, मैं पागल हो जाऊंगा। सीमा सीमा चलो यहां से, प्लीज चलो यहां से। कौन है आप? क्या आप जॉली नहीं है? नहीं। ओह आई एम सो सॉरी, सॉरी। डोंट टच मी। एक्सक्यूज मी, सॉरी मैम। शट अप। वेरी सॉरी, सॉरी मैम। बेवकूफ कहीं के। क्या जरा? यू आर राइट सर।
ओके सीमा, अगर अब भी तुम मेरी शादी को शादी समझती हो और हमारे प्यार को एक गुनाह समझती हो तो ठीक है, जो भी तुम्हारा फैसला है मुझे मंजूर है, लेकिन मैं जिंदगी भर सिर्फ तुम्ही से प्यार करता रहूंगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सीमा, अब क्या उलझन है? सूजी वो शादीशुदा है, उसका घर टूट चुका है, तुमने अपनी आंखों से देखा है ना? फिर हाँ, मगर वो सीमा, सीमा वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें चाहता है, और वो तुमसे मांग ही क्या रहा है? बस सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत, ताकि वो अपनी बीवी को तलाक दे सके, बस। सीमा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे एक मौका और देती। हाँ भेज दिया ना, भेज दिया ना सीमा को बॉस के पास। अरे तू जानता था कि वो उसको समझा लेगा, अपनी बातों से पटा लेगा, लेकिन तेरे को शर्म नहीं आई? मेरे को बहुत शर्म आई, बहुत शर्म आई मेरे को। लेकिन तेरे को कैसे आती? तेरे को तो वो पैसा कमाना है, कमीशन चाहिए, अपना ऑफिस चाहिए, फिर माँ का ऑपरेशन भी कराना है ना। लेकिन उस सीमा का क्या, उस सीमा का क्या, क्या क्या सीमा का, हाँ सीमा का क्या, क्या सीमा का? अरे उसको भी तो बड़ा बनना था, पैसा कमाना था, वो मर्सिडीज गाड़ी चलाना था, तो मैं क्या करेगा, मैं क्या करूंगा इसमें? और देख भाई, मैं तेरे को भी बताता हूं कि तू भी चुपचाप कहता जा, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सीमा जैसी एम्बिशियस लड़की ने राहुल के साथ कैसे शादी कर ली। हाँ हाँ, ताजुब तो मुझे भी हुआ, लेकिन लेकिन प्यार, डार्लिंग तुम तो जानती हो प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है हमें उन्हें शादी का तोहफा देना चाहिए। ग्रेट, फैंटास्टिक आइडिया। डार्लिंग मैं काम करता हूँ कि मैं कल ही किसी के हाथ से उनके घर पर एक अच्छा सा तोहफा भिजवा देता हूँ, है ना? नहीं, हम खुद ही उनके घर चलेंगे और उन्हें तोहफा देंगे। उनके घर? हम डार्लिंग, हम उनके घर जाएंगे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ठीक है, हम कल ही उनके घर चलेंगे। ठीक है। क्या सिद्धार्थ, नहीं प्लीज, ये क्या मजाक है? अब तुम्हारी बीवी को खुश करने के लिए हम दोनों को मियाँ बीवी का नाटक करना पड़ेगा? कम ऑन सीमा, समझने की कोशिश करो, सिर्फ एक दिन की तो बात है। सिद्धार्थ, बात एक दिन या दो दिन की नहीं है, एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ। सीमा, सीमा, you are not even trying to understand. देखो सीमा, मैं अपनी बीवी से वादा कर चुका हूँ। आइडिया बॉस, आप शीला भाभी से ये क्यों नहीं कह देते कि हम दोनों हनीमून पर गए? राहुल, बैड आइडिया बॉस। सीमा, सीमा तुम क्या चाहती हो कि मेरी बीवी हमेशा मुझ पर शक करती रहे? हाँ मुझसे गलती हो गई मुझसे गलती, अब मैं क्या करूं, सूली पर चढ़ जाऊं, अपने आप को कोड़े मारूं मैं? यस बॉस। व्हाट? नो 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 बॉस, नो बॉस, मेरा मतलब यस कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बॉस, कोड़े लगे आपके दुश्मनों पर बॉस, आप बस ये बताइए कि हमें क्या करना होगा। देखो सीमा, सीमा तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, मैं और शीला तुम दोनों के घर पे डिनर पर आएंगे। डिनर बॉस? हाँ हाँ डिनर, और हम दोनों तुम दोनों को एक छोटा सा तोहफा देंगे। छोटा सा बॉस? राहुल, ओके एज यू विश। और तुम दोनों को एक सुखी परिवार का ड्रामा करना है, बस और कुछ नहीं करना है, समझ रही हो ना? एक्सक्यूज मी बॉस, एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? वो क्या है बॉस कि मेरा घर किसी भी एंगल से एक शादीशुदा जोड़े का घर नहीं लगता है, कुमारे का लगता है, यू नो आई एम सिंगल। तो राहुल जाओ, अपने घर को सजाओ, जाओ बॉस। लेकिन एक शादीशुदा जोड़े का घर लगने के लिए एक डबल बेड तो होना चाहिए ना। राहुल, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अरे नहीं सीमा, मैं सीमा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी हमको, और बॉस मैं तो कहता हूँ कि लगे हाथों सोफा, चादर, पर्दे और एक वॉशिंग मशीन भी ले ही डालूं मैं। ठीक। जैसी आपकी मर्जी। एक मिनट, सीमा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सीमा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये सब कुछ कहते हुए, लेकिन क्या करूं, हमारे भविष्य का सवाल है, सिर्फ दो घंटों की तो बात है सीमा, पहली और आखिरी बार, प्लीज प्लीज
राहुल। हाँ बॉस, यहीं पे। बॉस मैं सोच रहा था कि घर की पेंटिंग भी रहने दीजिए, रहने दीजिए, जाने दीजिए। क्या सीमा, तुम राहुल के साथ जाओ। राहुल जल्दी। यस बॉस। राहुल जल्दी। हाँ बॉस। शीला जी, a rose for a rose. Thank you. कैसा लगा आपको मेरा घर? अच्छा है। Thank you. राहुल, मैं सिद्धार्थ से हमेशा कहती हूँ, तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़के हो। बचपन से ही। लेकिन तुम्हारी एक आदत मुझे पसंद नहीं है। क्या भाभी जी? तुम छुपाते बहुत हो। क्या मतलब? यही, तुमने शादी कर ली और हमें पता भी नहीं चला। अरे हमको भी कहाँ पता था। क्या? मेरा मतलब भाभी जी, ये सब इतना जल्दी में हुआ ना, ना शादी, ना बाराती, ना खैराती। काफी अच्छा सजाया तुमने अपना छोटा सा घर। और वो भी इतने कम टाइम में। मतलब? आपने ये देखा, ये पेंटिंग माधुरी दीक्षित बाय एम एफ हुसैन, सीमा ने नकल बनाई है। सीमा करती है ये सब? सीमा पेंटिंग भी करती है? हाँ, ये पूरा घर भी उसी ने पेंट किया है। पेंट किया है? फिर? जोकिंग राहुल। जोकिंग। कहाँ है तुम्हारी सीमा? अंदर तैयार हो रही है, मैं भी लेकर आता हूँ, आप इंतजार कीजिए। पेंटिंग देखिए। ओके। सीमा। मेरे कपड़े ठीक है ना? राहुल, मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा ना? राहुल। सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक लग रही हूँ ना? सीमा, तुम इन बीवी वाले कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। आई मीन एकदम 100% प्योर इंडियन देसी घी से बनाई हुई बीवी। सच कह रहा हूँ। नॉट बैड। अरे बॉस, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। थोड़ा सा वो रायता देना प्लीज। रायता खाइए, कोफ्ता खाइए बॉस, सब माल आप ही का है। तो आप लोग हनीमून के लिए कहाँ गए थे? हनीमून पे हम लोग गए थे। वो कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बॉस? यार हनीमून तो तुम दोनों का था, मुझे कैसे पता होगा? सब कुछ हनीमून तो हमारा था। मैं तो बहुत जाना चाह रहा था शीला जी, लेकिन बॉस ने काम के लिए रोक लिया। और वैसे भी हनीमून पे जाके हम करते क्या? क्या? मेरा मतलब सीमा हनीमून पे अकेले जाकर करती क्या? नहीं सीमा। तो सीमा शादी के बाद मॉडलिंग छोड़ दोगी? मॉडलिंग तो मॉडलिंग क्यों छोड़ेगी, मॉडलिंग जारी रहेगी। है ना बॉस? हाँ हाँ, जारी रखेगी, मॉडलिंग क्यों छोड़ेगी? After all, career is career, you see. बॉस ने कह दिया, बस डिस्कशन खत्म। आप कुछ लेती क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, इसमें तेल ज्यादा है, और वैसे भी हमें और एक पार्टी में जाना है। आजकल फिगर का ख्याल रखना पड़ता है ना। ओ कम ऑन डार्लिंग, थोड़ा सा ले लो ना, इसमें तेल कहाँ है? सिद्धार्थ। नो 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 बॉस। शीला जी बिल्कुल ठीक कह रही, खूबसूरत औरतों को वैसे भी अपनी फिगर मेंटेन करनी चाहिए। थैंक यू। शीला जी, वैसे आप मॉडलिंग क्यों नहीं करती हैं? तुम सिद्धार्थ से पूछ लो। बॉस को तो मॉडल्स बहुत पसंद है। क्या हुआ बॉस? मैं मीठा लेकर आती हूँ। हाँ तुम मीठा लेकर आओ, मैं बॉस को पानी पिलाता हूँ। मीठा लेकर आओ, पानी पीजिए, पानी। एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं दुल्हन, मैं थोड़ा हेल्प करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। राहुल। बॉस घर में ही हूँ। राहुल। क्या हुआ डार्लिंग, उनके आते ही चलते हैं। कम ऑन शीला, तुमने थोड़ा सा खा लिया होता तो क्या होता? ऊपर से तुमने ये भी कह दिया कि यहाँ से हम लोगों को किसी और पार्टी में जाना है। तुमने तो कहा था कि जल्दी निकलना है। सिद्धार्थ, आई थिंक यू आर इम्पॉसिबल। बस शीला, बहुत हो गया, अब उससे झगड़ा मत करो तुम। मुझे लगता है झगड़ा कर रहे हैं। शीला,
शीला बैठ जाओ। शीला मेरी बात सुनो तुम। अरे आप लोग जा रहे हैं, थोड़ा मीठा तो खा के जाते ना। नहीं रहने दो, हम निकलते हैं। आई थिंक वी आर लेट नाउ। मैं पैक करवा देता हूँ। राहुल गुड नाइट। सीमा डार्लिंग वो जो गिफ्ट इनके लिए लाए थे वो। अरे हाँ ये आप लोगों के लिए हमारी तरफ से शादी का तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी? अरे हाँ इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, हमारा भी तो कोई हक बनता है। बनता है बनता है, जरूर बनता है बॉस। अब चले। कितनी अच्छी जोड़ी है ना दोनों की। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ सिद्धार्थ। क्यों अब क्या हो गया? कितनी गलत बात है, तुमने उन लोगों के सामने मुझसे झगड़ा मोल लिया। क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, क्या हमारी बनती ना हो? नहीं ऐसी भी क्या बात है डार्लिंग, यू नो ना आई लव यू सो मच। यस यस यस, ये पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और सीमा तुमने भी कमाल का नाटक किया। आई टेल यू वी वर बोथ ब्रिलियंट। सीमा सीमा सीमा। अरे तुम रो रही हो सीमा? देखो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आप से परेशान हूं, किसको धोखा दे रही हूं मैं, अपने आप को। क्या मिलेगा ये झूठ ये फरेब, क्यों किया ये सब? एक औरत होने के नाते शादी का नाटक कितना सस्ता लग रहा है, कितने गिर गई हूं मैं। ये मेरा सपना नहीं था राहुल, ये मेरा सपना नहीं था। सीमा 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 क्यों अपने आप से इतने सवाल कर रही हो, क्यों? देखो फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सीमा सीमा रो मत, एक बात बताऊं, मैं अपनी खुद की जिंदगी के बहुत सारे सवाल समझ नहीं पाया, लेकिन एक बात जान गया कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है।